सो गाइस, आज मैं कुछ ऐसे ग्रूमिंग मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स अक्सर ये गलतियां करते हैं। आज मैं इस वीडियो में टोटल एट ग्रूमिंग मिस्टेक्स बताऊंगा, जिसको सुधार के आप लोग अपना जो पर्सनैलिटी है वो एक वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी बना सकते हैं। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, योर हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर, माई नेम इज दीपायन। तो चलिए शुरू करते। ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर वन क्या है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है होटल मैनेजमेंट का, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो अपना बाल जो है वो ठीक से नहीं काटते हैं, अपना जो हेयर है वो लंबाई रख देते हैं, बड़ा रख देते हैं, वही लेके कॉलेज चले जाते हैं। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपका जो हेयर है वो हमेशा ट्रिम कट होना चाहिए। और आपका देखिए, मैं एक बता देता हूँ, जो आपका सामने का बाल है, फ्रंट में जो आपका बाल है वो आईब्रो टच होना नहीं चाहिए, और आपका जो पीछे का बाल है वो कॉलर टच होना नहीं चाहिए। और क्या, ये जो आपका साइड का एरिया है, जैसे मेरा छोटा, एकदम छोटा है, वैसा ही होना चाहिए आप लोगों का भी। सो देखिए, मेरा जो बाल है ये परफेक्ट है, इससे आप छोटा रख सकते हैं, लेकिन इससे अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अब जब भी बाल काटेंगे, सो उस टाइम एक आप लोग एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखिए, आपका जो सामने का फ्रंट का जो हेयर है वो आईब्रो टच होना नहीं चाहिए, और आपका जो पीछे का हेयर है वो कॉलर टच होना नहीं चाहिए, और ये सब छोटा होगा, ये जो पोर्शन है ये छोटा होगा। ओके, सो दिस ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर वन जो हमेशा करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो हमेशा ये गलतियां करते हैं। अब ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर टू, ग्रूमिंग मिस्टेक्स नंबर टू में क्या है, बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट्स है कि अपना जो दाढ़ी है वो ठीक से नहीं बनाते हैं, क्लीन शेव नहीं करते हैं। क्लीन शेव, ऑलवेज क्लीन शेव कीजिएगा। यस, मैं जानता हूँ होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स है, हर कोई ऑब्वियसली क्लीन शेव करते हैं, लेकिन ये क्लीन शेव का मतलब है कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत सारा नहीं, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है कि देखिए, जब वो लोग मतलब क्लीन जब सेविंग करते हैं तो कभी इधर कट जाता है, कभी यहाँ पे थोड़ा दाढ़ी रह जाता है, कहीं इधर कट जाता है, कभी इधर कट जाता है। सो प्रॉपर सेव होना चाहिए आपका, आपका जो आप जब सेविंग करते हैं, आई नो वेरी वेल कि आप लोग एवरीडे दाढ़ी काटने का बनाने का आप लोगों को आदत नहीं है, एवरीडे सेविंग करने का आदत नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको चाहे आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कीजिए और चाहे आप होटल में जॉब कीजिए, आप लोगों को एवरीडे दाढ़ी काटना पड़ता है, एवरीडे क्लीन शेव में, चाहे आप होटल जाइए चाहे आप कॉलेज में जाइए, क्लीन शेविंग होना बहुत ही जरूरी है। सो मैं यही बताऊंगा कि देखिए, यूट्यूब में भर भर के वीडियोस हैं कि कैसे क्लीन शेव करते हैं, कैसे दाढ़ी काटते हैं ताकि आप लोगों का कुछ ना कटे, ताकि यहाँ का थोड़ा दाढ़ी रह जाए ऐसा, और मैं अपने चैनल में भी ऐसा ही कुछ वीडियोस पहले भी, डेढ़ साल पहले भी भर दिया है कि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो उस वीडियो को जो ग्रूमिंग है, जो ग्रूमिंग डीएम ग्रूमिंग प्रोग्राम है, उसको चेक कीजिए, वो मेरा चैनल में ही है। और अगर मेरा चैनल में अगर विजिट करना है तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, अगर नहीं करना है तो जाइए, भर भर के बहुत सारा ऐसे वीडियोज है कि कैसे दाढ़ी सेव करते हैं, लेकिन प्रॉपर आपका दाढ़ी काटना चाहिए आपको, क्लीन सेव, थोड़ा सा भी दाढ़ी नहीं, इधर कटा नहीं होना चाहिए, फिर इधर थोड़ा सा दाढ़ी रहना नहीं चाहिए, क्लीन सेव, प्रॉपर क्लीन सेव रहना चाहिए, हमेशा क्लीन सेव रहना चाहिए, राइट। मिस्टेक नंबर थ्री क्या है, शूज, राइट, शूज, कौन सा शू आपको चाहिए, ऑक्सफोर्ड शूज, वो भी ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड शूज चाहिए, राइट। सो बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स है कि वो लोग मतलब क्या, ऑक्सफोर्ड शू तो यूज तो दूर का बात है, वो तो नहीं करते हैं, ऊपर से अगर कोई स्टूडेंट्स अगर ऑक्सफोर्ड शू यूज भी करते हैं तो वो कहीं फटा रहता है, कभी थोड़ा सा फट जाता है, पूरा ही फट जाता है किसी का, तो और वेल पॉलिश नहीं रहता है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ, आपका जो ऑक्सफोर्ड शूज है वो हमेशा
ऑक्सफोर्ड शू वेल पॉलिश्ड होना चाहिए, वेल पॉलिश्ड मतलब एवरीडे आपको पॉलिश करना होगा, एवरीडे पॉलिश करना होगा। आप लोग अगर कोर्स कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स, आप लोग कॉलेज जाने से पहले पॉलिश कीजिए अपना शू को। अगर आपका शू थोड़ा सा फट गया है या थोड़ा सा अगर फट गया है तो आप लोग जाइए कॉबलर के पास, कॉबलर के पास जाके आप लोग उसको रिपेयर कीजिए। और लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका फट गया है, आपका आपका अगर शू फट गया है पूरी तरीके से या थोड़ा सा भी फट गया है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता, आप लोग चेंज कर लीजिए उसको। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और वेल पॉलिश होना चाहिए आपका। और लड़की लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए कौन सा शू है? बैलेरिना शू, राइट? बैलेरिना शू लड़की लोगों के लिए। अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज मेरा वेबसाइट चेक कीजिए, उसमें मैं ओरिजिनल जो ऑक्सफोर्ड शू होता है जो एक होटेलियर को मेंटेन करना पड़ता है, और गर्ल्स के लिए जो बैलेरिना शू है वो अपना क्या क्या शू है नहीं है, मैं अपना वेबसाइट में डाल दिया हूँ, आप लोग चेक कीजिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, आप लोग एटलीस्ट जान पाएंगे कि कौन सा शू आप लोगों को यूज करना चाहिए। मिस्टेक्स नंबर फोर क्या है? ग्रूमिंग मिस्टेक्स नंबर फोर में आपका नेल, आपका नेल का बड़ा होना, बड़ा रखना। देखिए, ये एक होटेलियर नहीं, एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट नहीं, मैं एक आम आदमी का लाइफस्टाइल से बोल रहा हूं कि अगर आप लोग बड़ा नेल रखेंगे, नाखून आपका अगर बड़ा होगा तो यू नो गाइस वेरी वेल क्या होता है, गंदा उसमें घुसेगा, आप खाना खाएंगे वो आपके अंदर में जाएगा, एंड यू नो गाइस वेरी वेल क्या होगा इससे। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 3 से 4 दिन बार बार आप लोग नेल ट्रिम कीजिए। मैं तो करता हूं क्योंकि एक आम आदमी का लाइफस्टाइल सोचिए ना, अगर आप लोग मतलब बड़ा नाखून रहेगा आपका तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और उसमें गंदा भी जाएगा, गंदा घुसेगा उसमें, और आप लोग खाना खाएंगे वो खाना पेट में जाएगा, और खाने के साथ आपका गंदा गंदगी भी चला जाएगा आपका पेट में, और उससे आपको सोच ही सकते हैं। सो ऑलवेज ट्रिम योर नेल्स। मिस्टेक नंबर 5 क्या है? ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर 5 आपका टाई का ना बनाना ठीक से, और टाई का ना पहनना। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूं कि देखिए ये मेरा बैच में भी था और आप लोगों के बैच में भी है, और ये पर्सनली मैं बोलूंगा तो मेरा भी प्रॉब्लम था। मैं देखिए पहले नहीं बना सकता था, मतलब टाई ठीक से नहीं बना सकता, ठीक से पहन नहीं सकता था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया और अभी मैं अच्छे तरीके से टाई बना सकता हूँ और पहन भी सकता हूँ। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि देखिए यूट्यूब में भर भर के वीडियो है कि कैसे आप टाई को बना के पहन सकते हैं। सो चेक कीजिए वो सब वीडियो और परफेक्टली टाई बनाइए, टाई पहनिए, बिकॉज देखिए होटल मैनेजमेंट एक जैसा हम लोगों का जैसा फील्ड है, होटल इंडस्ट्री जैसे फील्ड है, उसमें आपका टाई का पहनना बहुत ही जरूरी है। आप कॉलेज में जाइए चाहे आप होटल में काम कीजिए, आपको टाई तो पहनना ही पड़ेगा बॉस। सो आप पहले टाई बनाना सीखिए, और टाई जब बनाने आप जब सीख गए बनाना, तो टाई बनाने के बाद आप लोग ठीक से उसको पहनिए। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि ठीक से टाई बनाना नहीं जानते हैं, ठीक से टाई पहनना नहीं जानते हैं। सो मैं बताऊंगा कि आप लोग प्लीज यूट्यूब में वीडियो चेक कीजिए, वो सब वीडियो आप लोग चेक कीजिए, और टाई बनाइए और ठीक से टाई को पहनिए। नंबर 6 क्या है? ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर 6 में है आपका ठीक से आपका फेस का टेक केयर नहीं करना। यस, राइट, जो सुन रहे हैं आप लोग, आपका फेस का ठीक से टेक केयर नहीं करना। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स है, बहुत सारा के लगभग बहुत ही, लड़की लोगों को छोड़ दीजिए, वो लोग टेक केयर करते हैं आई नो वेरी वेल, बट लड़के लोगों में, हम लोगों में क्या है कि हम लोग अपना फेस का ध्यान ही नहीं रखते हैं। लेकिन होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपका लुक का बहुत ही जरूरी है। तो लुक का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम हीरो जैसा दिखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको साफ सुथरा दिखना पड़ेगा। आप लोग ये खुद सोचिए ना, अगर आप लोगों में एक्नी रहेगा, पिंपल्स रहेगा आपका मुंह में, गेस्ट के साथ आप लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं गेस्ट के साथ फेस टू फेस, दिस नॉट गुड। सो मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं जो, वो दिन में 2 से 3 बार आप लोग फेस वॉश कीजिए, दिन में 2 से 3 बार। जब एक देखिए मैं बता देता हूँ कब कब करना है। एक बार मॉर्निंग में कीजिए,
एक बार अगर कॉलेज में है तो कॉलेज से जब लौट के आ रहे हैं इवनिंग में उस टाइम कीजिए, अगर होटल में है तो इवनिंग में थोड़ा ब्रेक लेके अपना फेस वॉश कीजिए और रात में सोने से पहले एक बार कर सकते हैं, लेकिन 3 बार अगर नहीं होगा तो 2 बार कंपलसरी है। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी डस्ट उड़ना जो जमता है आपका फेस में, उससे क्या होता है कि आपका जो फेस का जो पोर्स होता है वो बंद हो जाता है। अगर आप लोग फेस वॉश करेंगे ठीक से तो वो पोर्स खुल जाता है, क्योंकि जब आपका पोर्स बंद होता है तो बंद होने के कारण ही आपका पिंपल्स या एक्ने होता है। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि दिन में मिनिमम 2 बार आप लोगों को फेस वॉश जरूर करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में। ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर 7 क्या है? ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर 7 है आपका ठीक से ब्रश नहीं करना, राइट? ऐसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स है कि अपना मतलब ठीक से ब्रश नहीं करते हैं और उसके उन लोगों का मुंह से स्मेल आता है, राइट? सो दिस इज वेरी बैड, क्योंकि देखिए आप लोग अगर अगर आप लोग खुद सोचिए ना, होटल इंडस्ट्री में जब आप लोग काम करेंगे या नॉर्मली आप लोग अगर फ्रेंड के साथ अगर और मे भी नॉर्मली कोई अगर आप कॉलेज में अगर कोई टीचर के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं अगर आपका मुंह से स्मेल आएगा, सो दिस गुड और नॉट आप लोग खुद सोचिए। सो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को दिन में 2 से 3 बार ब्रश करना, एक बार मॉर्निंग में जो कंपलसरी है वो तो है ही, एक बार हो सके तो आप लोग इवनिंग में कीजिए और रात रात में जब आप लोग सोने के लिए जा रहे हैं उस टाइम एक बार ब्रश कीजिए। मेरा नंबर 8 जो ग्रूमिंग मिस्टेक्स है, जो मेरा सबसे लास्ट और आखिरी ग्रूमिंग मिस्टेक्स है, वो है ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स है कि वो लोग अपना ठीक से परफ्यूम या डिओड्रेंट मीन्स क्या परफ्यूम या बॉडी स्प्रे ठीक से नहीं लगाते हैं। सो देखिए ये होटल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, यहाँ पे अगर आपका शरीर से अगर गंद उठता है ना तो आपको निकाल दिया जाता है, राइट? टोटली निकाल दिया जाता है। सो मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक अच्छा ब्रांड का परफ्यूम हमेशा यूज कीजिए या अच्छा ब्रांड का एक बॉडी स्प्रे हमेशा अपने साथ में रखिए, उसको अच्छे से लगाइए आपका शरीर में। बिकॉज देखिए अभी तो वो टाइम तो नहीं है जंगली, देखिए जैसे हम लोग जंगल में जब थे, आदि मानव थे, उस टाइम हम लोग हुला हुला करते थे, वो टाइम तो चला गया है, राइट? वो तो टाइम चला गया है। तो अभी जो टाइम है हम लोगों का वो क्या है, अभी हम लोग साफ सुथरा दिखना है, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी, एक नॉर्मल आदमी का लाइफस्टाइल में भी एक साफ सुथरा इंसान हम लोगों को दिखना है। सो इसीलिए आपका अगर शरीर से गंद उठेगा, आप अगर कोई कोई भी लोगों से अगर बात कर रहे हैं और गंद उठेगा आपका शरीर से, सो दिस इज नॉट गुड। सो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक अच्छा ब्रांड का हमेशा एक अच्छा ब्रांड का परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगाइए, इससे आप लोगों का बहुत फायदा होगा, ट्रस्ट मी, इससे आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तो यही था मेरा कुछ ग्रूमिंग मिस्टेक्स। आई होप गाइस यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर ये कंटेंट आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए, राइट? और देखिए मेरा इस चैनल में ऐसा ही मैं इंफॉर्मेशन डालते रहता हूँ, होटल इंडस्ट्री का तो वीडियोस डालते रहता हूँ, होटल मैनेजमेंट A to Z इंफॉर्मेशन, होटल इंडस्ट्री A to Z इंफॉर्मेशन। और डिटेल्स में जानने के लिए मेरा वेबसाइट तो है ही, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उससे चेक कर सकते हैं। उसमें मैं अपना जितना भी होटल मैनेजमेंट नोट्स है, इंटरव्यू नोट्स है, इंटरव्यू टिप्स है, एग्जाम नोट्स, सेमिस्टर एग्जाम नोट्स, इंटरनल एग्जाम नोट्स, सब कुछ उस वेबसाइट में डाला गया है। जितना भी रेसिपीज है, जितना भी कॉकटेल मॉकटेल और जितना भी फूड रेसिपीज है, सब कुछ उस होटल मैनेजमेंट टिप्स जो मेरा वेबसाइट है उसमें डाला गया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ उस वेबसाइट को भी एक बार चेक कीजिए, और मेरा इस चैनल को अगर आप लोग मानते हैं कि बहुत हेल्पफुल चैनल है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का भी प्रेस कीजिए, बिकॉज जब मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट? सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई होप गाइस यू आर गॉट द इन्फॉर्मेशन, सो टेक केयर, लव यू ऑल, दिस इज दीपायन, ओवर एंड।